के अंदर हम आपको कक्षा 12वीं का 15 मार्च को आपके जो समाजशास्त्र का पेपर होने वाला है 100% रियल, 80 में से 80 नंबर अगर आपको लाने, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना। समाजशास्त्र का आपको एक पेपर दिखा रहे हैं हम, ये पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लिया तो आपको मजा आ जाएगा एग्जाम के अंदर। और आप देखें कि इस वीडियो पर आप अभी आए हो और फिर एग्जाम बाद वापस इस वीडियो पर आओगे और कमेंट करके जाओगे कि सर आपने जो जो क्वेश्चन बताए डायरेक्ट एग्जाम में आ गए थे हमारे, और बहुत से आपके रिलेटेड भी आएंगे, यानी मिलते जुलते क्वेश्चन भी आएंगे और बहुत से आपके डायरेक्ट एग्जाम के अंदर मिल जाएंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, वरना बाद में आपको एग्जाम बाद पछताना पड़ेगा। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखो। तो स्टार्ट करते हैं, पेपर की तरफ चलते हैं सीधा। तो देखो आप, सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट है, सारे के सारे, बिल्कुल भी एक को भी नहीं छोड़ना है आपको। पहला क्वेश्चन देखिए, भारत के पूर्व में हिंदुओं का कौन सा प्रमुख तीर्थ स्थान स्थित है? तो हिंदुओं का कौन सा प्रमुख तीर्थ स्थान स्थित है पूर्व में? तो आप सबको पता है जगन्नाथपुरी। क्या है? जगन्नाथपुरी। दूसरा देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है, आर्य समाज की स्थापना किसने करी? आर्य समाज की स्थापना किसने करी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने करी थी, याद रखना है ये आपको। भारत में पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति किस सन में घोषित की गई? तो जनसंख्या नीति करी थी 1976 में, 1976 के अंदर, याद करते हुए चले। संयुक्त परिवार के मुखिया को क्या कहते हैं? संयुक्त परिवार के मुखिया को कर्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ता। हिंदू विवाह अधिनियम सन में लागू हुआ कब? कौन से सन में लागू हुआ? 1955 में लागू हुआ था। कब हुआ था? 1955 में। ये इंग्लिश मीडियम के सवाल दे रखे हैं, पैटर्न पर आधारित नहीं बनाया हमने, पर आप देख सकते हो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे तो 5 हमने आपको अभी ऑब्जेक्टिव बताए, उसमें से डायरेक्ट आ सकते हैं। बड़े क्वेश्चन के ज्यादा चांस है आपके एग्जाम में आने के, जो हम इस वीडियो में बता रहे हैं, तो पूरा सारा का सारा आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर सॉल्यूशन के साथ। तो देखते रहें और बिल्कुल भी स्किप मत करें, क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा नंबर लाएगी अगर आपकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है तो भी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था, तो गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो इधर लिखकर बता रहे हैं हम आपको, सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ था। दूसरा देखें, हिंदू धर्म में धर्म अर्थ काम मोक्ष संयुक्त रूप से कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? आप सबको पता है ये, तो क्या कहे जाते हैं? पुरुषार्थ। ठीक है, पुरुषार्थ, ठीक है, रह ये, ठीक है, पुरुषार्थ कहे जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखें, भारत में अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? अनुसूचित जाति का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो देखें आप, साइमन कमीशन ने किया था। किसने किया था? साइमन कमीशन ने, मोस्ट इंपोर्टेंट है, साइमन कमीशन ने किया था। अगला देखें, नगरों में पर्यावरण से संबंधित समस्या खालिस्तान के कारण होती है। कौन से कारण की वजह से नगरों के अंदर पर्यावरण की समस्या होती है? तो आप सबको पता है, प्रदूषण के कारण। किसके कारण? प्रदूषण। तो यहाँ पे प्रदूषण आपके राइट उत्तर हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति का आरंभ सन में हुआ, कौन से सन में हुआ था हरित क्रांति का आरंभ? तो 1961 में। कब हुआ? 1961 में। आगे देखें आप, एक वाक्य में उत्तर देने वाले प्रश्न है आपके, तो इसका सोल्यूशन भी आप देखें। भारत में सबसे पहले किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई? तो कौन से दल की स्थापना हुई थी राजस्थान, भारत के अंदर? तो भारत में हुई थी आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। किसकी हुई? भारतीय, ये आप लिखते ना, भारतीय राष्ट्रीय, हम आपको लिखकर भी बता रहे हैं, कांग्रेस। ठीक है, इसकी सबसे पहले स्थापना हुई थी। आगे देखें आप, अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? राष्ट्रीय महिला आयोग, तो ये आपको याद रखना है, 1992 में। कब हुई? 1992 में। ठीक है, स्वतंत्र भारत के नए संविधान को किस वर्ष लागू किया गया? तो वो किया गया था आपके 1950 में। कब किया गया? 1950 में। ये तो सबको याद होगा। वर्तमान युग में सांस्कृतिक परिवर्तन का सबसे प्रभावपूर्ण साधन साधक क्या है? तो क्या है साधक? तो जनसंचार। क्या है? जनसंचार। ठीक है, याद रखें, जनसंचार। भारत में जमींदारी उन्मूलन किस सन में लागू हुआ? तो वो हुआ था आपके 1951 में। कब हुआ? 1951 में। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे आपको सत्य और असत्य के कथन दिए गए हैं। तो देखें, मुस्लिम विवाह एक सामाजिक समझौता है, सत्य है। ठीक है, विनय कुमार सरकार भारतीय समाजशास्त्री, सत्य है। ठीक है, आयन के उपागमन का अर्थ अध्ययन के लिए वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करना, ये आपके असत्य हो जाएगा। ठीक है, तीसरा आपके सत्य हो जाएगा। चौथा है आपके, औद्योगिकरण से बिना नगरीकरण की संभव नहीं होना, ये आपका असत्य हो जाएगा। पांचवा आपके देखिए, आर के मर्टन ने सामाजिक विचलन की अवधारणा प्रस्तुत की, सत्य हो जाएगा। आगे देखें आप, आगे आपके मिलान के क्वेश्चन है, तो मिलान के क्वेश्चन भी आप देखें तो MSA राव, ठीक है, तो ये आपके जुट जाएगा 10 से। ठीक है, अर्बनाइजेशन एंड सोशल इंजन, प्रभु जाति का मंडल, ठीक है, मॉडल, तो ये हो जाएगा। संस्कृतिकरण से जनसंचार के साधन,
ये आपके हो जाएगा दूर संचार से, ठीक है। डीपी मुखर्जी, डीपी मुखर्जी आपके हो जाएगा नव मध्यम वर्ग, और जो आपके एम एन श्रीनिवास है वो प्रभु जाति के हो जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, अब आपके जो क्वेश्चन आ रहे हैं इसको तो बिल्कुल 10 बार सुनो आप, वीडियो को बार बार डबल स्पीड पे देखकर सुनो, पर ये आपको क्वेश्चन बिल्कुल भी छोड़ने नहीं है। तो देखिए आप, सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में पाए जाने वाले 4 धर्मों के नाम लिखिए। ये तो आप बता ही सकते हैं, 4 धर्म आप बता सकते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, बहुत से धर्म है आप सब बता सकते हैं। भारत देश की कोई 4 पवित्र नदियों के नाम लिखिए। तो पहली तो हो जाएगी गंगा, ठीक है, गंगा लिख देना, यमुना लिख देना पवित्र नदियों के नाम में, ठीक है, गंगा यमुना होगी, और आपके देखो गोदावरी हो जाएगी, गोदावरी लिख देना, और एक और आप महत्वपूर्ण नदी बता सकते हो, सरस्वती बता देना, ठीक है। तो ये 4ों नदियों के आप नाम लिख सकते हैं। आगे देखें आप, आगे आपको दे रखा है क्वेश्चन, जननांकी की कोई एक परिभाषा लिखिए। तो एक परिभाषा आपको बतानी है जननांकी की, ठीक है, जननांकी की। तो देखें आप, इसका उत्तर हम आपको स्क्रीन पे दिखा देते हैं ताकि आपके लिए इजी हो जाएगा, लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, मोबाइल पे लिखना मुश्किल होता है, तो सीधा हम आपको स्क्रीन पर लेकर चलते हैं आंसर की। तो ये आपके आंसर की है, ये आपको दिख रही है, तो ये देखें आप आंसर की, ठीक है, ये सब हमने आपको बता दिए। अपन चलते हैं सीधा 7वें क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो देखिए आप, जननांकिकी की एक परिभाषा, सोरोकिन के शब्दों में, जननांकिकी वह विज्ञान है जो किसी समाज के जनसंख्या के आकार घनत्व उसमें होने वाली कमी वृद्धि से संबंधित परिवर्तनों को स्पष्ट करता है। तो ये उसका परिभाषा है, ठीक है, ये सोरोकिन की परिभाषा है, आप अपने हिसाब से भी दे सकते हैं, बाकी आप सोरोकिन की परिभाषा दे सकते हैं जननांकिकी के अंदर। अब दूसरा देखें आप सवाल, इसका अथवा का सवाल देखें आप, 7वें का अथवा भी आपको तैयार करते हुए चलना है, तो अथवा देखें, जनजाति की एक परिभाषा दीजिए। पहले आपने जननांकी की थी, अब आपको जनजाति की परिभाषा देनी है, तो देखें इसका भी उत्तर। तो इसमें आप दे सकते हैं डीएन मजूमदार की, ठीक है। तो इसमें देखिए, जनजाति परिवारों का एक ऐसा समूह है जिसका एक सामान्य नाम होता है, ठीक है, जिसके सदस्य एक निश्चित क्षेत्र में निवास करते हैं और एक सामान्य भाषा बोलते हैं तथा विवाह और व्यवस्था के बारे में कुछ खास नियमों का पालन करते हैं। तो ये आपके उत्तर हो जाएगा, आप इनकी परिभाषा दे सकते हैं, नाम भी आपको देना है जिसने परिभाषा दी है, इससे आपके पूरे नंबर मिलेंगे। आगे देखते हैं, 8वां प्रश्न देखें आप, ऐतिहासिक उपागमन की 2 मान्यताएं लिखें। ये आप अपनी कॉपी में चेक कर लेना, आपकी पासबुक में मिल जाएगा। ये देखें आप, भारत समाज के अध्ययन के 4 उपागमों के नाम लिखें। तो पहला तो आप ये बता सकते हैं भारतीय, देखो यहाँ पे हम लिख कर आपको बता रहे हैं, भारतीय विद्याशास्त्री, भारतीय विद्याशास्त्रीय उपागमन, ठीक है, उपागमन लास्ट में आप जोड़ देना। दूसरा आप लिख सकते हैं सांस्कृतिक, सांस्कृतिक, ठीक है, सांस्कृतिक उपागमन। तीसरा आप देखें संरचनात्मक उपागमन। चौथा आप लिख सकते हैं ऐतिहासिक, ऐतिहासिक उपागमन, ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें आप, शिक्षा के कोई 2 उद्देश्य बताइए। तो शिक्षा के आप उद्देश्य बता सकते हैं, तो देखें आप इसका उत्तर, तो ये आपके 9वें प्रश्न का उत्तर है। तो देखें आप, शिक्षा का सबसे प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति के सामाजिकरण के द्वारा उसके व्यक्तित्व का विकास करना। तो पहला नंबर डाल के ये आप लिख सकते हैं, दूसरा आप उत्तर बताएंगे। तो देखें, शिक्षा ही व्यक्ति में ऐसी कुशलता विकसित करती है जिससे व्यक्ति आजीविका उपार्जित करने में योग्य बन सके, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है, शिक्षा तथा सामाजिक परिवर्तन, ये आप कॉपी में देख लेना या पासबुक में देख लेना। अपराध की कोई एक परिभाषा, ये भी पासबुक में देख लेना। हिंसा के कोई 2 कारण लिखिए, इस पर चलते हैं हम सीधा, हिंसा के 2 कारण आपको बता देते हैं। तो देखें आप, तो ये आपके हिंसा के 2 कारण आप पॉइंट डालेंगे। कुंठा, व्यक्ति में जो तरह तरह की असफलताएं मिलती है उसमें हीनता और निराशा की भावना पैदा हो जाती है, इसी से व्यक्ति में कुंठा के कारण हिंसात्मक प्रवृत्ति बढ़ने लगती है, एक कारण तो आपके बता देंगे। दूसरा है आतंकवाद, वर्तमान युग में दुनिया के विभिन्न हिस्सों में आतंकवादी गतिविधियों में होने वाली वृद्धि हिंसा का प्रमुख कारण है, ठीक है, तो ये आप बता सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे आपको 11वें प्रश्न दे रखा है, हिंदू विवाह के कोई 3 उद्देश्य। अब आपको साथ में हम सारे उत्तर एक साथ दिखा देते हैं क्वेश्चन के साथ ही, तो एक बार आप ये देख लें कि ये पूरा का पूरा जो पेपर है ना, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप सोच भी नहीं सकते हो, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। भले आपकी तैयारी पूरी है तो भी वीडियो को देखो, ताकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल नहीं आता तो ये रिया ब्रह्मास्त्र है। तो ये पूरा पेपर है आपके, अब हम डायरेक्ट पूरा सॉल्यूशन देखेंगे, तो ये आप स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो चाहो तो। बाकी हम चलते हैं सीधा आंसर की तरफ।
दस्तक हमने देख लिए थे, 11वां देखें आप। जो 11वां प्रश्न था, हिंदू विवाह के कोई तीन उद्देश्य लिखे हैं तो देखें आप। तो आपको तीन उद्देश्य डालने हैं। पहला पॉइंट आप डालेंगे धार्मिक कर्तव्यों की पूर्ति। हिंदू विवाह का सबसे प्रमुख उद्देश्य पति पत्नी द्वारा अपने धार्मिक कर्तव्यों की पूर्ति करना है होता है, ठीक है। दूसरा डालेंगे पुत्र जन्म। हिंदू विवाह का दूसरा उद्देश्य कम से कम एक पुत्र को जन्म देना, पुत्र ही अपने पूर्वजों को पिंड दान दे सकता है, तो ठीक है दूसरा हो जाएगा। तीसरा देखें वृत्ति, ठीक है। P.H. प्रभु ने लिखा है कि हिंदू विवाह में वृत्ति का अर्थ पति पत्नी द्वारा इसे उद्देश्य से एक दूसरे को संपर्क में आना है, जिससे वे एक संस्कारवान संतान को जन्म दे सकते हैं, ठीक है। तो वृत्ति हो गया। आगे देखिए 12वां क्वेश्चन जो है आपके, जनजाति में जीवन साथी चुनने का तीन तरीके। तो देखिए आप, हरण विवाह, यह विवाह वह तरीका है जिसमें किसी पुरुष द्वारा लड़की को बलपूर्वक उठा लिया जाता है और उससे विवाह कर लिया जाता है, ठीक है। तो यह हरण विवाह कहलाता है, ये जनजाति के अंदर होता है। परीक्षा विवाह, अनेक जनजाति में युवक को विवाह करने के लिए अपनी शक्ति और साहस का परिचय देना पड़ता है। परीक्षा में विवाह का सबसे स्पष्ट रूप गुजराती बोलों में देखने को मिलता है, ठीक है, भीलों में। आगे देखें आप, परिविक्षा विवाह, इस प्रथा के अनुसार विवाह के इच्छुक युवक को लड़की के माता पिता के घर में जाकर कुछ दिन रहना पड़ता है। विवाह का यह तरीका मणिपुर की कुकी जनजाति में पाया जाता है, ठीक है। उदाहरण भी आप बता देंगे कि कौन सी जनजाति में पाया जाता है, इसको हाईलाइट करके बताएं एग्जाम के अंदर तो ज्यादा नंबर आएंगे, ठीक है। भूमि सुधार के तीन उद्देश्य लिखे हैं तो देखें आप, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ ले जाएंगे, हल्के में मत लेना क्वेश्चन को, एग्जाम के बाद पछताना पड़ेगा वीडियो में आके। समानता और सामाजिक न्याय पर आधारित कृषि व्यवस्था का पुनर्गठन करना, यह भूमि सुधार कार्यक्रम सबसे मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि दुनिया के अधिकांश देश एक लंबे समय तक उपनिवेशवादी और साम्राज्यवादी व्यवस्था के दोषों से पैदा होने वाली बुराइयों के शिकार रहे हैं। अगला देखें आप, उपनिवेशवादी शोषण को दूर करना। उपनिवेशवादी तथा साम्राज्यवाद उद्देश्य कृषकों की आय के एक बड़े हिस्से को अपने अधिकार में कर लेना था, जिससे कृषकों को आर्थिक शोषण अपने चरम सीमा पर पहुंच गया। आगे देखें, कृषि बिचौलियों का उन्मूलन, एक अन्य कृषि बिचौलियों का उन्मूलन करके कृषकों का अपनी भूमि का स्वतंत्र मालिक बनाना था, क्योंकि निजी संपत्ति की धारणा अधिक श्रम करने को प्रोत्साहित देती है। हरित क्रांति के विशेष कार्यक्रम, हरित क्रांति के विशेष कार्यक्रम, सर्वप्रथम अधिक उपज देने वाली फसलों के कार्यक्रम लागू किए गए, जिनसे कृषि उत्पाद में वृद्धि की जा सकती है। अगला देखें आप, सन 1967 और 68 में देश में बहुत सफल कार्यक्रम आरंभ किया गया, यह साधन खेती के कार्यक्रम का अंग है। हरित क्रांति के लिए जरूरी था कि खेती वर्षा पर निर्भर ना रहे, इसके लिए बड़ी छोटी सिंचाई की योजना बनाई गई। अगला पॉइंट देखें आप, कृषि उत्पाद को बढ़ाने के लिए नई तकनीक और सिंचाई की सुविधाओं के साथ कृषकों को प्रशिक्षण देना भी जरूरी समझा गया। अगला क्वेश्चन है आपके, नव मध्यम वर्ग की तीन विशेषताएं लिखिए। तो देखें आप, पश्चिमी विचारों से अधिक प्रभावित, प्रसिद्ध समाजशास्त्री डीपी मुखर्जी ने लिखा है कि भारत में नव मध्यम एवं व्यवहार और जीवन शैली पश्चिम विचारों से अधिक प्रभावित है, ठीक है। आत्म केंद्रीय वर्ग, यह वर्ग एक तरह से आत्म केंद्रीय वर्ग है, ठीक है, केंद्रित वर्ग है, जिसका जीवन भाग दौड़ व्यक्तिगत हितों और अधिक से अधिक आर्थिक साधन प्राप्त कर लेने की चुनौतियों से घिरा रहता है। अगला क्वेश्चन देखें, उपभोक्तावादी संस्कृति, यह वह संस्कृति है जिससे हम प्रत्येक उस चीज को अच्छा मानते हैं जो अधिक आधुनिक और महंगी होती है। अगला देखें पॉइंट आप, मध्यकालीन भारत में एकता के तत्व निम्नलिखित हैं, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच आपसी सद्भावना, इस काल में भारत के अधिकांश हिस्से पर मुसलमानों का अधिकार होने के बाद भी दोनों में आपसी सद्भावना, ठीक है, सद्भाव बना रहा। अकबर की भूमिका, मध्यकालीन भारत में सामाजिक संस्कृति एकता को बनाए रखने में अकबर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। अकबर ने दीन-ए- इलाही नाम का एक नया धर्म चलाया था। भक्ति आंदोलन, मध्यकालीन सांस्कृतिक एकता का एक अन्य आधार तत्व इस समय आरंभ होने वाली भक्ति आंदोलन भी है, ये भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत के नव नार संतानों में चलाया था। चित्रकला, भवन निर्माण कला, यदि हम चित्रकला और भवन निर्माण कला का एक दृष्टि से देखें तो ये एकता का महत्वपूर्ण तत्व कहा जा सकता है। भारत में बढ़ती जनसंख्या वृद्धि के कारण लिखिए, तो ये अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखें, अशिक्षा पहला कारण हो जाएगा। अशिक्षा के कारण अधिकांश व्यक्ति परिवार में अधिक बच्चों के जन्म से होने वाली हानियों को नहीं समझ पाते। दूसरा है निम्न जीवन स्तर, निम्न जीवन स्तर और जनसंख्या वृद्धि के बीच एक प्रत्यक्ष संबंध है। जीवन स्तर नीचा होने के फलस्वरूप लोगों के मनोरंजन की समुचित सुविधाएं नहीं मिल पाती,
फलस्वरूप स्त्रियों के गर्भ धारण की संभावनाएं बढ़ जाती है। तीसरा पॉइंट देखें आप, बाल विवाह, ऐसे पॉइंट बना के आपको लिखने हैं सब। बाल विवाह में कुछ कमी हुई है, लेकिन आज में ग्रामीण समुदाय में बाल विवाह की प्रथा है। बाल विवाह के फलस्वरूप माता पिता को बच्चों को जन्म देने की कहीं ज्यादा समय मिल जाता है। चौथा देखिए पॉइंट, बहुपत्नी विवाह, मुसलमानों तथा कुछ जनजातियों में बहुपत्नी विवाह की प्रथा होने के फलस्वरूप परिवार का आकार बड़ा होता है, संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, आगे देखिए, ग्रामीण समुदाय की चार विशेषताएं लिखनी है आपको, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तो देखें पॉइंट डालोगे आप। कृषि मुख्य व्यवसाय, ग्रामीण समुदाय का मुख्य व्यवसाय खेती होती है तथा यहाँ खेती ही लोगों के जीवन को प्रभावित करती है। अगला पॉइंट आप डालोगे छोटा आकार, साधारणतः गांव में रहने वाले सभी लोग एक दूसरे के नातेदार होते हैं, यही कारण है कि धर्म जाति के आधार पर गांव बटे होते हैं जिससे उनका आकार छोटा होता है। अगला पॉइंट देखिए प्राकृतिक पर्यावरण, ग्रामीण समुदायों का जीवन अपने पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं, यहाँ फसलों के लिए वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता है। चौथा पॉइंट देखें आप सादा जीवन, ग्रामीण समुदाय के अन्य प्रमुख विशेषताएं हैं, उनका जीवन सादा और परंपरावादी होता है, बहुत सी विकास योजनाओं के बाद भी गरीबी और अशिक्षा अच्छा भी ग्रामीण ठीक है अशिक्षा अच्छा भी ग्रामीण का अनिवार्य हिस्सा बना हुआ है। ठीक है, प्राथमिक संबंधों का प्रधानता, गांव में सभी लोग एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, उनके पारंपरिक बंद व्यक्तित्व होते हैं, किसी स्वार्थ पर आधारित नहीं होते हैं। छठा पॉइंट आप लिख देंगे परंपरागत नियंत्रण, गांव में कानून और राज्यों के नियमों का व्यक्तियों के व्यवहार पर उतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना परिवार जाति धर्म का होता है। ठीक है, ऐसे ही आपके 18 से लेकर 26 तक के क्वेश्चन थे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, आप सबको पता है। ठीक है, जैसे 26वां प्रश्न भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सामाजिक आंदोलन की कोई पांच प्रमुख कारण, ठीक है, ऐसा हो गया, और भी बहुत से इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने आपको अभी पेपर बताया था। तो आपको पेपर, ठीक है, जो हमने ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको पेपर हमने बताया बनाया आपके लिए, पेपर विद सॉल्यूशन, जो ये आपको सॉल्यूशन की पीडीएफ दिख रही है, ये सॉल्यूशन की पीडीएफ, ये आपको कैसे मिलेगी, ये आपको 6350459046, ये जो आपको व्हाट्सएप नंबर मिल रहे हैं इस पर आपको लिखना है 12th सोशियोलॉजी। क्या लिखोगे? 12th सोशियोलॉजी। 12th सोशियोलॉजी लिखोगे, उसके बाद आपको एक क्यूआर कोड भेजा जाएगा। ठीक है, क्यूआर कोड भेजा जाएगा, उस क्यूआर कोड को आपको स्कैन करना है और उसमें 29 रुपीज़ पे करने रहेंगे। अब 29 रुपीज़ क्यों है, तो ये आपको बताते हैं, ये इसलिए है आपके लिए, इतनी ज़्यादा हम मेहनत कर रहे हैं तो आप 29 रुपीज़ तो पे कर ही सकते हो। और आपको पता है कि आपके 12वीं एक बार ही आएगी, अब बार बार आप 12वीं दोगे थोड़ी, 12वीं बोर्ड जीवन में पहली बार है, उसके बाद कभी भी जीवन में नहीं आएगी। 29 रुपये देख के देख लो, आपको पता है कि इतने शानदार क्वेश्चन, आपको अभी वीडियो के अंदर हमने इतने क्वेश्चन तो बता ही दिए आपको, आपको खुद को लग रहा होगा कि नहीं यार ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट भी आपके देख लो 20 से 25% डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे, मतलब एज इट इज आ जाएंगे, बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। और 20 से 25% और आपके इनडायरेक्ट भी मिलेगा, मतलब आप मिलते जुलते मिल जाएंगे। बिल्कुल तैयारी नहीं है तो भी आप फर्स्ट डिवीजन ला सकते हो, इतना शानदार पेपर है, मज़ा आ जाएगा। बस थोड़ा दिमाग आपको चलाना है तो मज़ा आ जाएगा। इसको अच्छे से पढ़ो, इसका अच्छे से रिविजन करो, बाकी जो आपने तैयार करा है वो भी पढ़ते रहो, और साथ में इसका भी रिविजन करो 29 रुपीज़ में। और आते ही क्या, आप सबको पता है 29 रुपीज़ बहुत छोटी सी चीज़ है, और आप खुद ये करोगे उसके बाद आप खुद कहोगे कि सर दूसरे भी सब्जेक्ट की हमें पीडीएफ चाहिए, ऐसे ही बना के हम 29 रुपीज़ के, आप और मांगोगे तो वो भी दे देंगे। इतना प्यार मिलता है बच्चों को, हमने पहले भी दिए थे और बच्चों के बहुत अच्छे नंबर आए, बहुत अच्छे अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। तो बस तैयारी करते रहो, भले आप 29 रुपीज़ भी पे नहीं कर सकते हो, अगर आपको लगता है 29 रुपीज़ भी आप नहीं पे कर सकते हो, तो ये वीडियो देखो, इसी से सीखो। क्वेश्चन जो हमने आपको पहले बता ही रखे हैं वीडियो के अंदर, तो उसको आप पासबुक के अंदर ढूंढ लेना, बड़े बड़े क्वेश्चन, तो उससे आप कर लेना, ठीक है, फ्री में अगर आपको करना है। क्योंकि हम तो चाहते हैं कि देखो बच्चों का भला हो, थोड़ा सा अगर आप 29 रुपये पे भी कर दोगे तो कोई नहीं, आप ये भी सोच सकते हो गुरु दक्षिणा दे रहे हो, ये सोच के आप 29 रुपये पे कर देना, पर जल्द से जल्द करना, क्योंकि देखो हम ज़्यादा कमेंट आ जाएंगे, ज़्यादा मैसेज आ जाएंगे तो मतलब व्हाट्सएप पर, तो फिर हम ज़्यादा का रिप्लाई नहीं दे पाए बाई चांस, और आपका एग्जाम पास में आ गया फिर लेट आपको मिली तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए जल्दी करोगे जितना जल्दी उतना अच्छा रहेगा, बाकी तैयारी करते रहो। आप सबको ऑल द बेस्ट है, अपना एग्जाम बेस्ट देना जिससे आपको मजा आ जाए, क्योंकि आपका जीवन में पहली बार और आखिरी बार 12वीं का एग्जाम हो रहा है, तो कभी नहीं होगा, तो इसलिए आपको अपना 100% जान जोग देनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।